कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता। चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तस्वीर को इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस वक्त कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस में रहे वो दिग्गज नेता हैं, जो कभी राहुल गांधी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन महज एक साल के अंदर ही देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले दो दिन में कांग्रेस के तीन बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें दो कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। बॉक्सर विजेंदर और गौरव वल्लभ ने कमल का दामन थाम लिया है, जबकि संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस राहुल, सोनिया और खड़गे पर भड़क रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ क्यों मची हुई है? क्या कांग्रेस में रहे नेताओं को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, लीडरशिप की कमी और दिशाहीन राजनीति ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है? कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरे बने कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दल मिलकर बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में हरा देंगे, उस वक्त 20 से 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में जा रहे थे। जरा देखिए अब तक कांग्रेस से कौन कौन बड़े चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। कांग्रेस से इस्तीफा देकर गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा, विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है, जिसका औपचारिक ऐलान थोड़ी देर में तेजस्वी यादव करेंगे। जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि फरवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत बिस्व शर्मा, जगदम्बिका पाल बहुत पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई है। तो एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हुए हैं, तो अभी बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर तोड़कर रख दी है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट बन चुका है। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दा और ना ही दिशा है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि 10 साल में उनकी सरकार ने जनता को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी
पिक्चर तो बाकी है। बीजेपी के दावों में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि रिसर्च में दावा किया गया है कि बीजेपी ने विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में शामिल किया है। जरा देखिए आंकड़ों में क्या दावा किया गया है। विपक्षी दलों के 80,000 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का टारगेट है कि वो 1,00,000 से ज्यादा विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करे। दावों के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। इधर 1 अप्रैल 2024 तक लोकसभा चुनाव की घोषणा से अब तक राजस्थान में 1,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दलों के ये नेता पार्टी छोड़ने के बाद सीधे बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब तक 80,000 से ज्यादा विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करेगा। एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं खास तौर से टॉप लेवल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर तोड़ कर रखती है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट बन चुका है। जरा देखिए कौन कौन से कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2000 से अब तक कुल 12 कांग्रेस मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। कुल 12 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्रियों में से 9 पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा बीजेपी में शामिल हुए। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा बीजेपी में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम पेमा खांडू बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी भी बीजेपी में शामिल हुए थे। गोवा के पूर्व सीएम रवि नाइक ने 2000 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए। 2002 में फिर से कांग्रेस में लौटे और 2021 में फिर से बीजेपी में शामिल हुए। कुल मिलाकर 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है, वो साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस को अब चुनाव जीतने से ज्यादा पार्टी बचाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर गई है और दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव की स्थिति चल रही है और यही वजह है अब कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय निरुपम का अगला कदम ये हो सकता है कि वो किसी और गुट में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पावर प्लांट में भयानक आग लग गई। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्लांट बताया जा रहा है। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले इस आग को बुझाया जा सके। तरीके से उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। तो जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस में इस्तीफा देने की ओढ़ मच गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता।
चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तस्वीर को इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस वक्त कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस में रहे वो दिग्गज नेता हैं, जो कभी राहुल गांधी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन महज एक साल के अंदर ही देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले दो दिन में कांग्रेस के तीन बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें दो कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। बॉक्सर विजेंदर और गौरव वल्लभ ने कमल का दामन थाम लिया है, जबकि संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस राहुल सोनिया और खड़गे पर भड़क रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ क्यों मची हुई है? क्या कांग्रेस में रहे नेताओं को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, लीडरशिप की कमी और दिशाहीन राजनीति ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है? कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरे बने कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दल मिलकर बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में हरा देंगे, उस वक्त 20 से 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में जा रहे थे। जरा देखिए अब तक कांग्रेस से कौन कौन बड़े चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। कांग्रेस से इस्तीफा देकर गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा, विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मार्च 2024 में नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि फरवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत बिस्व शर्मा, जगदम्बिका पाल बहुत पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। राजस्थान के रण में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, चुरू से की लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत, विजय शंखनाद रैली को किया संबोधित। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, एमएसपी कानून की गारंटी, किसानों की कर्ज माफी और जातीय जनगणना कराने का कांग्रेस का वादा, गरीब परिवार की महिला को सालाना 1,00,000 की मदद का भी ऐलान। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1,00,000 की मदद देंगे, तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लिखी चिट्ठी, जेल से जल्द बाहर आने की बात कही, लिखा अंग्रेजों ने गांधी जी को भी कई साल जेल में रखा था बंद। बीजेपी का पलटवार, कहा घोटाले के वक्त क्यों नहीं सोचा था। आपको काम दिया था बच्चों को शिक्षा देने का, लेकिन आपने शराब के ठेके खोले। आपको जहाँ किताब हाथ में पकड़ानी थी
वहां शराब की बोतल आपने हाथ में पकड़ाई। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने का वक्त आ गया। पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। अब लोगों को समझ आ गया है कि हटाया जा सकता है, लेकिन अब तो गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला करना पड़ेगा रिपोर्ट आ जाने के बाद। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और अब आप देखने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव पर सबसे स्पेशल शो इलेक्शन धमाका। बिना वक्त गवाए इलेक्शन धमाका की वो चार बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे जिन पर तफसील से आगे चर्चा होने वाली है। पहली बड़ी खबर आपके सामने उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सिर्फ राम राम नहीं करते बल्कि समाज की सुरक्षा के खिलाफ जो होगा उसका राम नाम सत्य भी करते हैं। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने बिहार से, जहां पूर्णिया सीट पर नामांकन के बाद कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को नाम वापस लेने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। और तीसरी बड़ी खबर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, महाराष्ट्र से है, जहां पर महाविकास आघाड़ी में भिवंडी और सांगली सीट पर महासंग्राम बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। और वहीं पर चौथी बड़ी खबर भी इस वक्त आपके सामने, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जिस पर पीएम मोदी और बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इलेक्शन धमाका, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पहले जंगल राज था लेकिन अब कानून का राज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम सिर्फ राम राम नहीं करते बल्कि समाज की सुरक्षा के खिलाफ जो होगा उसका राम नाम सत्य भी करते हैं। यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, यही लोग खेलते थे। लेकिन मैं अफसोस करता था कि रघुनंदन प्रभु राम को होली खिला रहे हैं लेकिन प्रभु राम तो अयोध्या में विराजमान ही नहीं। और बहनों भाइयों, 500 वर्षों के बाद रामलला ने भी अयोध्या में होली खेली है। ये सब सपना था 14 के पहले और 17 के पहले, सब सपना था, आज ये हकीकत बनी है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं, राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। इलेक्शन धमाका, बड़ी खबर बदायूं यूपी की सीट है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बदले जाने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव ने न्यूज 18 इंडिया से बड़ी बात कही। शिवपाल यादव बदायूं से एसपी के उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा है कि बदायूं से वो चुनाव लड़े या उनके बेटे चुनाव लड़े, एक ही बात है। तो बदायूं से उम्मीदवारी पर अभी पिक्चर देखिए साफ यहां पर नजर नहीं आ रही है। अगर एसपी की उम्मीदवारी पर शिवपाल यादव का यह बयान सामने आता है कि मैं लड़ूं या मेरा बेटा लड़े, चुनावी मैदान में जाए, एक ही बात है। यह बदायूं से एसपी उम्मीदवार शिवपाल यादव की तरफ से बहुत बड़ा यकीनन बयान है।
समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव बदायूं से सीट को लेकर ये कहते नजर आए कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में उतरे बात एक बराबर है। और इतना ही नहीं, कई मुद्दों पर भी शिवपाल यादव ने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने, सुनिए आप भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी। आप सर, सबसे पहले तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं से आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? देखिए, बदायूं से चुनाव चाहे हम लड़ें, चाहे धर्मेंद्र लड़ें, चाहे आदित्य लड़ें, तो वो तो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी ही वहां से जीतेगी। जिस तरीके से कल एक वीडियो आपका वायरल हुआ मंच से, कुछ सेकंड का वीडियो है वो, जिसमें लास्ट में आप बोल रहे हैं वोट देना है तो दो, नहीं तो फिर हम वोट के बाद हिसाब करेंगे, वो क्या है दरअसल उसका? देखिए, ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं, वो तो 20-25 सेकंड का मामला है, न तो वो आगे का दिखाया न पीछे के दिखाया। बहुत सी बातें हमने तो बोली हैं, तो उन्होंने सिर्फ 20-25 सेकंड का लिया है। लेकिन देखिए, मैंने आगे पीछे तो मेरा कहने का मतलब था कि हमारे बहुत से अभी चुनाव हुआ था MLC का, उसमें बहुत से लोग जीते, समाजवादी पार्टी से वोट दे आए वहाँ पर। तो मैंने ये कहा था कि भाई ऐसे लोगों को हिसाब किताब तो आगे चुनाव आने वाले हैं तो फिर जनता करेगी हिसाब किताब। क्या लगता है कि ये चुनावी प्रोपोगंडा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से कट पेस्ट किया गया? बिल्कुल बिल्कुल प्रोपोगंडा का। इलेक्शन धमाका, बड़ी खबर, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है। उन्होंने बयान दिया कि अमेठी की जनता गांधी परिवार के सदस्य को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है और उम्मीद करती है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। ये यहां पर रॉबर्ट वाड्रा कहते हुए नजर आए हैं, यानी उन्होंने अपनी दावेदारी देखिए एक संदेश के तौर पर या फिर इशारों ही इशारों में दे दिया है कि वो अमेठी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जो वहां की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। जो ना कराए, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी की सियासी बिसात पर ताल ठोकने की मंशा जाहिर की तो नई सियासी चर्चा तेज हो गई है। वाड्रा की इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के जागने के बाद सियासत भी अब बेहद तेजी के साथ जोर पकड़ने लगी है। अमेठी से मैं हूं और प्रियंका रायबरेली से हैं। सियासत में रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री की तैयारी, क्या अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा? क्या रॉबर्ट वाड्रा के हाथ में आएगी कांग्रेस की विरासत? ये सवाल इत्तेफाकन नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जो इशारा कर रहे हैं वो तो यही कहता है कि सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अब अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सुनिए क्या दलील और क्या पिच तैयार की है रॉबर्ट वाड्रा ने। जो वहां की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। यही वजह है कि जिस ग्राउंड पर रॉबर्ट वाड्रा अमेठी के रण में कूदने की मंशा जाहिर कर रहे हैं
वो ग्राउंड ही अपने आप में सारी कहानी बयां करता है। शायद यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा। ऐसे लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, वो ये तय करेंगे। ये निर्णय अमेठी की जनता को करना है और अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता तरुण चुग ने इसे एक बार फिर कांग्रेस की वंशवाद वाली राजनीति से जोड़ दिया। केवल गांधी नाम लेकर अपनी राजनीति करना और ऐसा सोचना कि ये वंश ही उन्हें सब कुछ दिलाएगा, अब देश की जनता परिवारवाद से हाथ जोड़ बैठी है और लोकतंत्र के लिए परिवारवाद एक काम। मौजूदा वक्त में कांग्रेस और यूपी के समीकरणों की बात करें तो यूपी से कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, जिनमें रायबरेली और अमेठी की सीट है। तो क्या इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की उलझन रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी को टिकट देने के बाद खत्म होगी? तो ऐलान अभी भले ही नहीं है, लेकिन संदेश जरूर यहां पर दे दिया गया है और रॉबर्ट वाड्रा का दावा कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से भी चुनाव लड़ने के ऑफर मिल रहे हैं और इसमें बीजेपी का क्या कुछ कहना है सुनिए आप। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं।